मेरा नाम हीना रानी सोनी है। मैं आर्यभट्ट कॉलेज की स्टूडेंट रही हूँ और मेरा एज अ JEN राजस्थान में सिलेक्शन हुआ है, इसलिए मैं सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और प्रिंसिपल सर सभी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इस कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। थैंक यू। रामगंज थाना क्षेत्र के शक्तिनगर जवाहरनगर में सोने मकान को चोरों ने बनाया निशाना, 15,000 की नकदी सहित सोने चांदी के आभूषण चुराए। रामगंज थाना अंतर्गत शक्तिनगर जवाहरनगर गौतमनगर में रहने वाले मगनलाल मोर्य के सोने मकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाकर मकान में रखे सोने चांदी का आभूषण और 15,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। मगनलाल मोर्य ने बताया कि उनकी पत्नी के देहांत के बाद पिछले 4 महीने से यह मकान बंद था, वह दूसरे मकान में रह रहे थे। 3 सितंबर शाम को मकान पर आए तो चोरी की घटना का पता चला और 4 सितंबर को रामगंज थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। रामगंज थाने के ASI लाल सिंह ने बताया कि अज्ञात चोर मकान में से 2 सोने की अंगूठी, 1 कान की बाली, 1 कनकती, 2 पायजेब और 15,000 रुपये की नकदी चुरा कर फरार हो गए। इस मामले में मगनलाल मोर्य द्वारा दी गई रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। शक्तिनगर सुभाषनगर में रात्रि 3/9/2000 को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी करके ले गए मकान 3-4 महीने से बंद पड़ा था। परिवादी श्री मगनलाल मोर्य सुनो श्री बागराम दाती रेखर उम्र 83 वर्ष ने थाने पर मुकदमा दर्ज कराया। बताया कि मेरे मकान 3-4 महीने से बंद पड़ा था और 3 तारीख को शाम को चार तारीख को थाने पर आगे मुकदमा दर्ज कराया है। सुनो और उस मकान में से 2 अंगूठी, 1 कान की बाड़ी, 1 कनकती, 2 पाजे जोड़ी और 15,000 नगर अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले गए। उसके मौके पहुँचे, घटना की नक्शा मौका बनाया, टीम पर से बढ़ा के तलाश मुलजमान की जारी तलाश प्रयास किए जा रहे हैं। ये अशोकनगर दूसरे मकान निवास करते हैं, इसकी पत्नी खत्म हो गई थी, इनके बेटों के पास दूसरे मकान अशोकनगर रहते हैं। ये मकान 3-4 महीने खाली बंद पड़ा रहा।